हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुहैब दानिश। आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन कौन से बेसिक टॉपिक्स है इससे के रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक में एडमिशन लेने के लिए नमल में। सो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, जिसमें अब मैंने बताया कि लाइक हाउ टू गेट एडमिशन इन बीएससी इंग्लिश एट नमल। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड उसके अलावा मैं आज बात करने वाला हूँ कि लाइक व्हाट आर द टॉपिक्स कि वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इसी के रिलेटेड। सो देर आर फाइव टॉपिक्स विच आई फनल डाउन। नंबर फर्स्ट इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है और ये टॉपिक तकरीबन दो तीन साल ये रिपीट होता जा रहा है इंग्लिश लिटरेचर के टेस्ट में नमल में। सो सोशल मीडिया, उसके आपने प्रिपेयर करना है कि लाइक उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड उसके लिए आप जब टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, सो यू हैव टू राइट 300 वर्ड्स आप ऐसे, ओके okay? सो आपने 300 और 250 के करीब वर्ड्स का ऐसे लिखना है। फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर एंड यू नो हाउ टू राइट इन ऐसे। उस पर आपको YouTube में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। इन द मेन पार्ट इज लाइक देर आर थ्री पार्ट्स इन ऐसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, नंबर सेकेंड इज बॉडी पैराग्राफ, एंड नंबर थर्ड इज क्लोजिंग रिमार्क्स और यू कैन से कंक्लूजन। सो बेस इंग्लिश में जब अपना ऐसे लिखना है, सो यू हैव टू राइट फाइव पैराग्राफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी इट्स इंट्रोडक्शन, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ आर द बॉडी पैराग्राफ्स, एंड द लास्ट वन इज इट्स कंक्लूजन। सो आपने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है और उसमें आप देख सकते हैं कि लाइक सोशल मीडिया के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, पिंटरेस्ट, ऑल दीज आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो उस पे आप उनको जाके आप सर्च कर सकते हैं और उसके रिलेटेड आप जो है इस तरह कर सकते हैं कि उसके बेनिफिट्स और उसके डिसएडवांटेजेस आप बता सकते हैं। नंबर सेकेंड टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन और यू कैन से द क्लाइमेट चेंज और वेदर, इट्स काइंड ऑफ ये टॉपिक आ सकता है। ट्री प्लांटेशन भी लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो आप इस तरह कर सकते हैं कि लाइक उसमें आप डिफॉरेस्टेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें आप क्लाइमेट चेंज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें आप ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड टॉपिक ऑफ द एसे। द थर्ड वन इज लाइक योर फेवरेट कंट्री और योर फेवरेट प्लेस टू बी विजिट, ओके, लाइक व्हाट वुड यू विजिट इफ यू गेट अ चांस इन योर लाइफ टाइम, दैट व्हाट शुड बी द प्लेस और व्हाट आर द प्लेसेस यू आर गोइंग टू विजिट। सो ये टॉपिक आ सकता है, उसमें आपको ये क्रिएटिविटी देखनी पड़ती है आपकी कि लाइक आप कौन सी ऐसी जगह है जिसमें आप विजिट करना चाहते हैं। सो इट शुड बी अ पाकिस्तान, इट कैन बी लाइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो वो आप लिख सकते हैं कि मैंने इस जगह ट्रेवल करना है या मैं इस जगह गया हूँ। सो आप उस अपनी एक्सपीरियंस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। सो नंबर फोर्थ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टुडे एरा इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट्स अ डाइवर्स एंड वाइड स्प्रेड टॉपिक। आप उस पर बहुत ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं क्योंकि आजकल आपको पता है कि लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर। लाइक ये आप हमारे एजुकेशन में देख सकते हैं, हेल्थ में देख सकते हैं, आप इसको जाके एग्रीकल्चर में देख सकते हैं, आप इसको मेडिसिन की फील्ड में देख सकते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर। यू कैन गिव एग्जाम्पल फ्रॉम चैट जीपीटी, गूगल बिंग, गूगल जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट बैंक, क्वेलबोट, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं कि वो आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पुट कर सकते हैं और उसको आप लिख सकते हैं कि लाइक हाउ इट शुड बी अ बेनिफिशियल फॉर अस एज अ स्टूडेंट, वो आप लिख सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज हु इज़ योर फेवरेट ऑथर एंड हु इज़ योर फेवरेट राइटर, कि आपका कौन सा राइटर है और आप इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन ले रहे हैं। सो यू हैव टू बी अ लिटरेचर एंथुसियास्ट, आपको रीडिंग का शौक होना चाहिए, आपको जो है लिटरेचर का शौक होना चाहिए, पढ़ने का शौक होना चाहिए, आपको पोइट्री का शौक होना चाहिए। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड यू नो लाइक देर आर लॉट ऑफ ऑथर्स, लाइक देर आर उर्दू ऑथर्स, देर आर इंग्लिश ऑथर्स। सो डिपेंड करता है कि आपको कौन से ऑथर की, कौन से राइटर की और कौन से नॉवलिस्ट की नॉवल्स, पोइट्री, कुछ भी अच्छा लग सकता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको इंग्लिश का कोई नॉवलिस्ट या इंग्लिश का कोई राइटर या इंग्लिश का कोई पोइट आपको पसंद हो और आप वो बता दे, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आप कोई उर्दू का बता सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज का बता सकते हैं, आप अपने जो भी आपका मदर टंग है उसका बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूर पठान, सो यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ एनी वेयर इन योर पश्तो लिटरेचर, और अगर आप फॉर एग्जाम्पल पंजाबी है, सो उस चीज़ को आप लेके आप इधर पुट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक्स विच आर प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश एस्से
इन बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक इन नंबर। उसके बाद आपका कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपका इशू हो, आप आके मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या पे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आई विल गेट बैक टू यू एंड आई विल कैच यू। सी यू देयर, बाय बाय।